नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बासन देवघर के ऑनलाइन क्लास 8 में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट ऑफ के फर्स्ट चल रही है निर्देशन और परामर्श का परिचय और टॉपिक है निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन के सिद्धांत में हमने तीन सिद्धांत कम्प्लीट किए। आज हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि व्यक्ति के महत्व और प्रतिष्ठा की स्वीकृति, यानी व्यक्ति के महत्व और प्रतिष्ठा की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को निर्देशन प्रदान किया जाए। व्यक्ति का महत्व और उसकी प्रतिष्ठा, व्यक्ति का महत्व और उसकी प्रतिष्ठा तथा उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर उसको निर्देशन प्रदान किया जाए। देखिएगा फिर निर्देशन का आधारभूत सिद्धांत यह है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महत्व को ध्यान में रखा जाए। व्यक्ति का क्या महत्व है, उसके समाज में क्या प्रतिष्ठा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको गाइडेंस दी जाए, उसको निर्देशन प्रदान किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शक्तियों, क्षमताओं के अनुरूप पूर्ण विकास तक ले जाना निर्देशन का लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति की क्या शक्तियाँ हैं, प्रत्येक व्यक्ति की क्या योग्यता है, किस प्रकार की उसकी रुचि है, किस प्रकार की उसकी क्षमता है, उसके अनुरूप उसको पूर्ण विकास तक ले जाना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, जिस व्यक्ति को निर्देशन प्रदान किया जा रहा है तो निर्देशन प्रदान करना, यानी कि निर्देशन प्रदान जिसको किया जा रहा है तो निर्देशनकर्ता को निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की शक्तियों के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में, उसकी रुचि के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में, यानी कि उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, इन सभी का पूर्ण विकास, इन सभी की जानकारी प्राप्त करना और पूर्ण जानकारी प्राप्त करके उसको पूर्ण विकास तक ले जाना निर्देशन का लक्ष्य, यानी कि निर्देशन का लक्ष्य ये है कि व्यक्ति के गुणों के बारे में जाना जाए, व्यक्ति की क्षमता के बारे में जाना जाए, व्यक्ति की रुचि के बारे में जाना जाए, व्यक्ति की योग्यताओं के बारे में जाना जाए और व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता, इनको पूर्ण विकास तक ले जाना ही इसका लक्ष्य, यानी कि व्यक्ति के गुणों के बारे में जानना ही निर्देशन का लक्ष्य है। समाज संगठित रूप से अधिकतम प्रगति कर सकता है, यानी कि इस प्रकार व्यक्ति के गुणों के बारे में जानकर समाज संगठित रूप से अधिकतम प्रगति कर सकता है, यानी कि निर्देशनकर्ता क्या कर सकता है, निर्देशनकर्ता व्यक्ति के गुणों के बारे में जब जान लेगा तो गुणों के बारे में जानकर वो समाज संगठित रूप में, यानी कि वो उसको संगठित करके, उसके गुणों को संगठित करके उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। निर्देशन की सुविधा क्या हो, सभी को उपलब्ध हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे आम हो, चाहे खास हो, सभी व्यक्तियों को निर्देशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति के जीवन में प्रगति के लिए एवं समस्याओं का समाधान के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि विशेष समस्या वाले व्यक्ति के लिए है, यानी कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में प्रगति के लिए एवं समस्याओं का समाधान के लिए, सामान्य व्यक्ति यदि किसी समस्या से जूझ रहा है तो उस समस्या का समाधान करना उतना ही आवश्यक है जितना कि विशेष व्यक्ति किसी समस्या से जूझता है और उसका समाधान प्राप्त करता है। यानी कि ये नहीं देखना चाहिए निर्देशनकर्ता को कि सामान्य व्यक्ति की समस्या अलग है और निर्देशन और विशेष व्यक्ति की समस्या अलग है, ये ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति के जीवन में प्रगति के लिए जो समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, सभी के लिए समस्याओं का समाधान एक होना चाहिए, ये निर्देशनकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति के महत्व को, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, व्यक्ति की क्षमता को, व्यक्ति की रुचि को, व्यक्ति की योग्यताओं को, इन सभी को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को निर्देशन प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि, यानी कि निर्देशनकर्ता को व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि रखनी चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व से मतलब है कि व्यक्ति में किस प्रकार के गुण हैं, किस प्रकार के अवगुण हैं, किस प्रकार समाज में वो उठता बैठता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस प्रकार अपने मित्र मंडली में उठता बैठता है, तो संपूर्ण व्यक्तित्व पर निर्देशनकर्ता को दृष्टि रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। तो देखिएगा कि व्यक्ति की समस्याओं पर विचार करते समय निर्देशक को, यानी कि निर्देशनकर्ता को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि व्यक्ति की समस्याओं पर तो विचार करता ही है निर्देशनकर्ता, व्यक्ति की समस्याओं पर विचार करता है, निर्देशन प्राप्त करने वाले की समस्याओं पर तो विचार करता ही है, लेकिन उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का भी उसको ध्यान रखना चाहिए, किसको, निर्देशनकर्ता को जो निर्देशन प्रदान कर रहा है। साथ में व्यक्ति की समस्याएं शैक्षिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत या अन्य कई प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल, कि व्यक्ति की समस्याएं शिक्षा से के क्षेत्र से संबंधित भी हो सकती है,
व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित भी हो सकती है और अपने खुद के पर्सनल यानी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित भी हो सकती है। यानी कि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। उन सभी समस्याओं का ध्यान एक निर्देशनकर्ता को रखना चाहिए, परंतु उनका संबंध एक दूसरे से बना रहता है। बिल्कुल, कि व्यक्ति की यदि शैक्षिक क्षेत्र में समस्याएं हैं तो भी वो उसके जीवन से उसका संबंध बना रहेगा। यदि व्यवसायिक क्षेत्र में समस्या है तो भी जीवन से संबंध बना रहेगा, और व्यक्तिगत जीवन से जीवन की समस्याएं तो भी उसके जीवन से वो एक दूसरे से बनी रहती है। यानी कि समस्याओं का संबंध एक दूसरे से बना रहता है। व्यवसाय, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको व्यवसाय क्षेत्र का दूं कि व्यवसाय क्षेत्र में भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर दृष्टि रखनी चाहिए। यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि रखनी चाहिए कि किस प्रकार का वो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, किस प्रकार की अर्निंग कर रहा है, किस प्रकार से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है, किस प्रकार से उसका व्यवसाय गर्त में जा रहा है। यानी कि सब प्रकार से उसको दृष्टिगत करते हुए निर्देशनकर्ता को निर्देशन प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से परिचय। यानी कि समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति से परिचय निर्देशनकर्ता को निर्देशन प्राप्तकर्ता के समकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से परिचय करवाना चाहिए कि किस प्रकार का परिचय, किस प्रकार वो पहले कैसा था अब कैसा है, इस प्रकार की कंडीशन को ध्यान में रखना चाहिए। देखिएगा कि निर्देशकों को जहां अपने क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक है, वहां समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन से भी परिचित होना चाहिए। यानी कि जो निर्देशन करता है उसको अपने क्षेत्र विशेष की तो जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए कोई विषय अध्यापक है तो किसी विषय अध्यापक को अपने क्षेत्र अपने विषय की तो जानकारी होती है, लेकिन अन्य विषयों की भी उसको जानकारी हो, ऐसा होना चाहिए। इसी प्रकार से निर्देशनकर्ता को भी अपने क्षेत्र की तो जानकारी होती है, लेकिन अपने क्षेत्र के अलावा उसे समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन से भी परिचित उसको होना चाहिए। किसको? निर्देशनकर्ता को। साथ में प्रो एंड क्रो के अनुसार व्यक्ति के कुसमायोजन में तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति का महत्वपूर्ण हाथ होता है। प्रो एंड क्रो ने कहा है कि व्यक्ति के कुसमायोजन में तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति का महत्वपूर्ण हाथ होता है। यानी कि ये कहा गया है कि यदि व्यक्ति कुसमायोजित होता है तो कुसमायोजित होने का कारण है सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति का महत्वपूर्ण होना या उसका वर्चस्व ज्यादा बढ़ना, इस कारण से व्यक्ति कुसमायोजित होता है। तो ऐसे में व्यक्ति के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, व्यक्ति के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से भी परिचय एक निर्देशनकर्ता को होना चाहिए। साथ में ये है कि अतः समस्याओं का निदान खोजते समय उन राजनीतिक एवं सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि एक निर्देशनकर्ता जब निर्देशन प्राप्तकर्ता को निर्देशन प्रदान कर रहा है तो उस समय समस्याओं का निदान जब वो खो देता है तो उस समय राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कारणों को ध्यान में रखना चाहिए कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में कौन कौन से कारण थे जिसके कारण व्यक्ति समस्याओं से घिरा, व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, साथ में जिसके कारण कुसमायोजित की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो निर्देशनकर्ता यदि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता है, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का परिचय अच्छे प्रकार से नहीं करता है, तो निर्देशन प्राप्त करने वाले को कुसमायोजित होना पड़ता है। कुसमायोजन की स्थिति निर्देशन प्राप्तकर्ता के जीवन में आ जाती है। इसलिए एक निर्देशनकर्ता को निर्देशन प्रदान करते समय व्यक्ति की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से परिचित होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको निर्देशन प्रदान करना चाहिए। ये आपके 6 पॉइंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 पॉइंट्स और कंप्लीट